टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में दिल तोड़ने वाली हार मिली है। भारतीय लगभग जीता हुआ मैच हार गया। भारत अगर इस मैच को जीत लेता तो वह 29 साल में पहली बार साउथ अफ्रीका की धरती पर इस देश के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर अपना कब्जा कर लेता। भारत ने साउथ अफ्रीका को चौथी पारी में जीत के लिए 240 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया था, जिसे मेजबान टीम ने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। भारत को दूसरे टेस्ट मैच में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। 3 मैचों की सीरीज अब एक एक की बराबरी पर आ गई है, क्योंकि भारत ने पहला टेस्ट मैच जीता था। तीसरा टेस्ट मैच 11 जनवरी से केपटाउन में खेला जाएगा, जहां सीरीज का फैसला होगा। जोहानिसबर्ग में टीम इंडिया के लिए 3 खिलाड़ी विलन बन गए, नहीं तो भारत इसी मैदान पर सीरीज जीत कर इतिहास रच देता। इन 3 खिलाड़ियों के प्रदर्शन के चलते भारत के हाथ हार लगी है और सीरीज जीतने का मौका फिसल गया है। लेकिन वो 3 खिलाड़ी कौन से जो टीम इंडिया के लिए विलन बन गए, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दक्षिण अफ्रीका ने बारिश से प्रभावित चौथे दिन 240 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 विकेट पर 243 रन बनाकर वांडर्स में भारत के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की है। भारत ने अपनी पहली पारी में 202 और दूसरी पारी में 266 रन बनाए, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 229 रन बनाकर 27 रन की बढ़त भी हासिल कर ली। और उसके बाद डीन एल्गन ने, जो मैन ऑफ द मैच रहे, कप्तान भी है साउथ अफ्रीका की, उन्होंने 96 रन की नाबाद पारी खेलकर जो कहीं न कहीं उनकी जीत पक्की कर दी है। लेकिन अब आइए जानते हैं भारत के उन 3 खिलाड़ियों के बारे में जो भारतीय टीम के लिए विलन बनने का काम करते हैं। इसमें पहला नाम टीम इंडिया के इस हार की सबसे बड़े विलन ऋषभ पंत साबित हुए हैं। ऋषभ पंत का लापरवाही भरा रवैया टीम इंडिया को ले डूबा। इस मैच की दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी के बाद ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को कम से कम 300 या उससे अधिक रनों का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद हनुमा विहारी ने जहां 40 रनों की नाबाद जिम्मेदारी भरी पारी खेली, वहीं पंत ने दूसरी पारी में तीसरी गेंद पर लापरवाही भरा शॉट खेला और शून्य पर आउट होकर चलते गए। यहां से साउथ अफ्रीका ने मोमेंटम हासिल किया और भारत की दूसरी पारी महज 266 रन पर ही सिमट गई। इस तरह भारत की हार पर ऋषभ पंत का गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी पर भी फैंस सवाल उठा रहे हैं। वह अपने टेस्ट कैरियर की पिछली 13 पारियों में सिर्फ 250 रन ही बना सके हैं। इस लिस्ट में दूसरा बड़ा विलन का नाम आता है टीम इंडिया के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। इस मैच में फिसड्डी नजर आई। जसप्रीत बुमराह गेंदे तो खतरनाक डालते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज चतुराई से उनसे निपट लेता है। जसप्रीत बुमराह एक विकेट टेकिंग गेंदबाज साबित नहीं रहे इस मैच के अंदर। जोहानिसबर्ग की पिच पर जसप्रीत बुमराह की गेंदों को साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को खेलने में कोई तकलीफ नहीं दिखाई दी। जसप्रीत बुमराह से काफी उम्मीदें थी, लेकिन दोनों पारियों में 38 ओवर डालकर 119 रन पिटवाने वाले बुमराह सिर्फ एक ही विकेट ले सके, जिनसे मैच में काफी अंतर पैदा हो गया। तो कहीं न कहीं बुमराह भी इस मैच में बने हैं भारत की हार की बड़ी वजह। लेकिन जो तीसरी बड़ी वजह है वो चौंकाने वाली है। मोहम्मद सिराज भी इस मैच में सुपर फ्लॉप साबित हुए। अगर मोहम्मद सिराज की जगह इस मैच में उमेश यादव को मौका मिलता तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। मोहम्मद सिराज इस मैच से काफी उम्मीदें थी, लेकिन एक भी विकेट नहीं चटका पाए। दूसरी पारी के दौरान मोहम्मद सिराज ने 6 ओवर की गेंदबाजी की, लेकिन वो एक भी विकेट नहीं चटका सके। पहली पारी में भी 10 ओवर डाले थे, लेकिन सिराज पहली पारी में चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए और चोट की वजह से वो अपना शत प्रतिशत नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं सिराज टीम इंडिया के लिए जीत की जगह हार के लिए योगदान देने लगे। तो खैर, ये 3 बड़े खिलाड़ी थे जिनकी वजह से टीम इंडिया को इस मुकाबले में कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।